Hello, bachcho. Let this question, three vectors P, Q, R are shown in the figure. Let S be any point on the vector R. The distance between the points P and S is B, R. The general relations among vectors P, Q, S. हमें इस क्वेश्चन में P, Q, S में एक जनरल रिलेशन पूछा गया और एक डायग्राम दिया है. हम ध्यान से देखें तो ये एक वेक्टर है P, ये एक वेक्टर है S, और ये एक वेक्टर आपके पास ये वाला वेक्टर है जो कि बी आर डैश वेक्टर है. तो अगर बेटा हम इस ट्राइंगल से देखें तो इस ट्राइंगल से हम बोल सकते हैं सोल्यूशन में ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन जो होता है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो होता है, वेक्टर सम जो होता है, वो बोलता है कि जो आर वेक्टर होता है रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा दोनों वेक्टर्स के सम के बराबर होता है. तो उसी के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पे जो एस वेक्टर आपको देखने को मिल रहा है इस ट्राइंगल में, वो एस वेक्टर किसके इक्वल हो रहा है, यहाँ पे पी वेक्टर प्लस बी आर के इक्वल हो रहा है. तो एस वेक्टर आपके यहाँ पे पी वेक्टर प्लस बी आर के बराबर है, तो पी आर का मैग्नीट्यूड के बराबर है. तो हमने यहां से एस वेक्टर को लिखा और जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास ये रहा, वो है क्यू माइनस पी. तो वो भी हम यहाँ पे पुट कर देंगे. तो हम यहाँ पे देख पाते हैं कि हमारे पास क्या बन जाता है. अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास बन जाता है कि एस वेक्टर इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने देखा कि पी वेक्टर है और यहाँ हम देख रहे हैं कि बी था और आर की जगह हमने लिख दिया क्यू वेक्टर माइनस, उसको हमने लिख दिया क्यू वेक्टर था और साथ में वो था माइनस पी वेक्टर. तो आर वेक्टर जो यहाँ पे है इस जगह हम पुट कर रहे हैं क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर पुट कर रहे हैं. तो Q वेक्टर माइनस P वेक्टर हमने यहाँ पे पुट कर दिया है. हमने जैसे यहाँ पुट करा तो हम देखते हैं कि S वेक्टर में ये हो जाता है P वेक्टर, ये हो जाएगा B Q वेक्टर और ये हो जाएगा B P वेक्टर हो जाता है. इन दोनों टर्म्स में से हम देखेंगे कि P वेक्टर कॉमन आ जाएगा. तो हम जैसे ही P वेक्टर को कॉमन लेते हैं हमारा ब्रैकेट में बचेगा वन माइनस का B बचेगा और यहाँ पे B Q वेक्टर बचता है. तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि S वेक्टर P वेक्टर 1 माइनस B और प्लस B वेक्टर B Q वेक्टर हो जाता है. तो हम देखेंगे हमारा आंसर जो S है 1 माइनस B B हो गया और B Q वेक्टर हो जाता है, मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाता है. P 1 माइनस B और B Q आपका आंसर एकदम करेक्ट हो गया. मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन थर्ड हो जाएगा. ओके बेटा, थैंक यू.